हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। ये है यहाँ पे मेन अकाउंट पे लेवल अप वीडियो। एंड लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो लेवल अप में, हमने हल्क को जो है 7 स्टार वाले को रैंक 2 पे पुश किया था, ठीक है। अब मैं ये जो पुश करना चाहता हूँ वो होने वाला है हल्क लिंक को R5 पे पुश। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास में ये नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। हम हाइपीरियन को भी पुश नहीं कर सकते हैं, हम तूमा को भी पुश नहीं कर सकते हैं हम। ओके, तो गाइस जेगोन के लिए मैंने सारी पॉसिबिलिटीज जो है ले आया हूँ, सारे कैटलिस्ट ले आया हूँ। इसको रैंक 2 पे पुश करते हैं। चलो हम यहाँ पे एंड भाई रैंक 5 पे लेके जाना है इसको यार। रैंक 2 पे डाल रहा हूँ अभी तो। लेवल 9 पे हमने कर दिया है एगोन को पुश। मुझे इन्वेंट्री खाली कर लेनी चाहिए। पहले देखना है मुझे कि इन्वेंट्री में आ क्या रहा है। अब जो है यहाँ पे कौन से वाले अरे अच्छी बात है, हमारे पास स्किल ही आ रहे हैं यार, ये बढ़िया हो गया। चलो जल्दी से क्लेम करते हैं एंड इसमें डालना शुरू करते हैं। लेवल 20 तक हमने कर दिया है पुश इसको। एंड रैंक 3 में जैसे ही डालूंगा फिर इसको यूज़ भी करेंगे अच्छे से। हम 2 दिन का समय है, 2 दिन काफ़ी कम समय होता है। लेवल 31 तक हमने कर दिया है इसको पुश। रैंक 2 मैक्स आउट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। चलो रैंक 2 मैक्स आउट ये हो गया है लगभग। एंड ओके 34 लेवल तक डाल दिया है। 800 ISO और चाहिए, फिर इसको रैंक 3 पे पुश करते हैं, ठीक है। 800 के लिए मुझे ये करना पड़ेगा क्लेम करते हैं। चलो एंड ये किया। फिल्टर कहाँ से आ गया, ये डालो। चलो हो गया हमारा एगोन जो है रैंक 2 पे मैक्स आउट हो चुका है। रैंक 3 पे डाल सकते हैं, हमारे पास जेम पड़ा है, हम जेम ही यूज़ करेंगे। यूज़ करते हैं इसमें रैंक 2 से लेके 3 का और जल्दी से इसको मैक्स आउट करने का ट्राई करते हैं। चलो फिलहाल तो हमने लेवल 3 तक डाल दिया है एगोन को। एंड अब क्या आता है हमारी इन्वेंटरी में, म्यूटेंट आ रहा है जो कि जगह काफ़ी खा रहा है, तो मुझे म्यूटेंट खाली कर लेना चाहिए। एक बार मैं म्यूटेंट खाली कर लेता हूँ, लेकिन साला डालूँ किस में। अरे ऑनस्लॉट है ना यार, रैंक 2 पे पुश कर रखा है इसको ऑनस्लॉट को हमने। ओके ये हो गया लेवल 22 तक हमारा ऑनस्लॉट। डिफेंडर के तौर पर बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है ये। एंड ओके अभी फिर से आ रहा है यहाँ पे स्किल आ रहा है 4 दिन 5 घंटे। सिर्फ म्यूटेंट जाएगा इसमें। बेसिक वाला मैं एगोन में डालूंगा, बेसिक प्लस स्किल वाला जो है एगोन में जाएगा। और क्या है मेरी इन्वेंट्री में, कॉस्मिक है। कॉस्मिक को भी हटाते हैं थोड़ा सा, रुको। एगोन हमने R3 पे पुश कर दिया है एंड इसको मैक्स आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। लेवल 25 तक ले आए हैं, अभी भी 20 लेवल इसमें जाना बाकी है एगोन को। ऑलरेडी मैंने असेंडेंट कर रखा है इस बंदे को। 4 दिन का समय है अभी 20 को अपग्रेड करने के लिए, मतलब 5 दिन का समय हमने ले लिया है। 5 दिन 15 घंटे, मुझे लगता है लेवल अप इवेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी हम म्यूटेंट में थोड़े बहुत पॉइंट डाल देते हैं ताकि और समय हमें मिल जाए कैटलिस्ट जमा करने के लिए, ठीक है। मैं बेसिक वाले नहीं डालूंगा, सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट के ISO डालना चाहता हूँ। 32 ओके इसको हटाते हैं। 34 लेवल तक डाल दिए हैं, 11,000 और चाहिए हमें ISO। ये हो जाएगा हमारा R2 मैक्स आउट। 11,000 चाहिए ना, डाल दूं ये वाला। चलो ये हो गया हमारा ऑनस्लॉट रैंक 2 मैक्स आउट। काफ़ी सारे रैंक अप्स किए इस बार और मेरे ख्याल से लेवल अप इवेंट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेवल अप पे हम एगोन को और पुश करने का, रैंक 3 मैक्स आउट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके तो गाइस लेवल अप इवेंट फिर से आ चुका है। इस बार मैं रेलिक्स को अपग्रेड करने वाला हूँ, मुझे रेलिक्स को अपग्रेड करना है भाई। ये आ गया 2000 का ISO और यहाँ पे। एंड अब मुझे जो चाहिए अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारा ISO चाहिए। यहाँ पे कितना ISO चाहिए मुझे, एक सेकंड यहाँ पे देख लीजिए। मुझे लगता है मेरे को ये क्लेम करने पड़ जाएंगे और। एंड अब एक ही क्लेम कर सकते हैं क्या? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अपग्रेड करते हैं ये। एंड आई थिंक इससे हो जाएगा पूरा मैक्स आउट हो गया। चलो ये हो गया R3 मैक्स आउट हो चुका है ये यहाँ पे। एंड इसको भी कर सकते हैं क्या, अगर 2000 वाला डाल देता हूँ यार, बेसिक वाला काम में आता है भाई। अबे यार बेसिक क्लेम हो गया क्या, शिट मैन। ओके अब मेरे को ये डालने पड़ेंगे 3। चलो ये हो गया हमारा ब्लैक पैंथर जो है यहाँ पे R3 मैक्स आउट किया। इसको हम R4 कर सकते हैं क्या, टायर 2 स्किल अलॉय मेरे पास नहीं है, R4 नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है कोई बात नहीं। वैल्करी को अपग्रेड करते हैं, मेरे ख्याल से इसे भी अपग्रेड होने बाकी हैं अभी। हाँ यार यहाँ पे जितने भी रहते हैं क्लेम करते हैं। चलो 1 2 3 2 से ही काम बन गया यहाँ पे। चलो ये हो गया अपग्रेड पूरा।
एंड आप देखते हैं और क्या अपग्रेड करना है। इसका ये वाला अपग्रेड करना है रियून, ये आ गया 2000 और, एंड मुझे लगता है 2000 से और काम बनेगा नहीं अभी। यहाँ पे और दो क्लेम कर ले, ये वाला क्लेम कर लेते, चलो एक से काम बन गया। चलो ये हो गया हमारा ये क्या नाम है, वैल्करी भी जो है R3 मैक्स आउट हो चुके हैं, R4 इसको मैं कर नहीं सकता। और कोई है हमारे पास, विंटर सोल्जर है, विंटर सोल्जर को देखते हैं कहाँ पे कर सकते हैं। क्या हम इसको R3 डाल सकते हैं? R3 भी नहीं डाल सकते क्योंकि टायर 2 स्किल नहीं है मेरे पास, ये R2 मैक्स आउट है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई है स्किल में? स्किल में वैल्करी आ गई 4 स्टार में हमारे पास में, वैल्करी है 4 स्टार में, इसको अपग्रेड कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड देख लेते हैं, रुको, इससे अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं, इससे काम हो जाएगा, एक मिनट इसको डाल दें। कितना है? 4000 है ना, 1 2 3 4, चलो 4 डाले, मतलब कि 2000 चाहिए था यार इसको लगभग। चलो ये हो गई R2 मैक्स आउट, इसको R3 डाल सकते हैं क्या? R3 डाल सकते हैं, यहाँ पे 6 लाख में डल जाएगा R3 हमारा, डालते हैं इसे। चलो ये हो गई R3, यहाँ पे सिर्फ क्लास ISO डाल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं डाल रहा, क्योंकि बेसिक का क्या है, बेसिक ना किसी और में भी जाएंगे, लेकिन क्लास ISO सिर्फ क्लास ISO में जाते हैं यार, तो इसलिए हम इसको ही अपग्रेड करेंगे। ओके 23 लेवल तक हो गया ये भी, एंड फिर से क्लेम करते हैं यहाँ पे यही वाले क्लास वाले 24 26 हो गए, 26 अभी भी हुए हैं यहाँ पे, और क्लेम करते हैं इसको R3 मैक्स आउट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे हो गए 4 ये क्लेम और वापस से, एंड अभी 5 दिन का समय है, 28 ओके 28 लाउथ लेवल हमने यहाँ पे कर दिए हैं इसके, एंड अब भी क्या, अब यार बेसिक ही बच गया, अब मेरे को बेसिक ही क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है 10 दिन का समय है, रुको, अब बेसिक क्लेम करना है और 28 दिन है, 28 लेवल तक पहुँची है ये, तो एक काम करते हैं, हमारे पास में अगर अपग्रेड स्ट्रॉम को कर सकते हैं क्या? स्ट्रॉम को R2 कर सकते हैं मेरे ख्याल से, इसे अपग्रेड करते हैं, बड़ी वाली ब्रिक्स डालेंगे। ओके मिस्टिक में भी है हमारे पास में, मिस्टिक भी डाल सकते हैं अभी यहाँ पे। ये हो गया स्लॉट लेवल यहाँ पे 20 हमने डाल दिए हैं इसके, यहाँ पे पूरा का पूरा R2 मैक्स आउट कर दिया है। तीसरा रियून हमने स्लॉट लेवल मिस्टिक में भी है, तो मिस्टिक में आयरन फिस्ट है हमारे पास में, क्या हम इसको R2 डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते भाई, हमारे पास में किसी चीज़ के कैटलिस्ट नहीं है क्या? क्या हम इसको R2 डाल सकते हैं? 1 2 3 नहीं, इसे भी R1 मैक्स आउट नहीं कर पाए हम। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक सारे क्लेम करते हैं। अब चलते हैं ISO पे। ISO में मैं एगॉन को रैंक अप करने वाला हूँ, क्योंकि एगॉन हमें चाहिए भाई। माई चैम्प्स में चलते हैं, यहाँ पे स्किल में चलते हैं सबसे पहले, एंड एगॉन को हमने मैक्स आउट नहीं किया था, मैंने इसको शायद R3 पे डाला था, लेकिन ये मैक्स आउट नहीं हुआ था। मेरी इन्वेंट्री में मिस्टिक भर रखा है, टैक भर रखा है, पहले मेरे को अपनी ये खाली करनी पड़ेगी यहाँ पे इन्वेंट्री। मिस्टिक में देखो हमारे को सॉर्कर सुप्रीम जगर नॉट है, रुको जगर नॉट को अपग्रेड करते हैं पूरा का पूरा। 44 लेवल तक हमने इसको जगर नॉट को भी डाल दिया है, एंड ये अभी भी मैक्स आउट नहीं हुआ है। कितना ISO चाहिए एक बार देख लिया जाए, एंड उसी के हिसाब से ओके ये वाली ब्रिक जाएगी इसमें, ये वाली डाल देते हैं। चलो ये हो गए हमारा R3 मैक्स आउट जगर नॉट, एंड नहीं फिलहाल तो R4 नहीं डाल रहा है इसको मैं। और किसको अपग्रेड कर सकते हैं? लॉन्ग शॉट भी अपग्रेडेड है, सॉर्कर सुप्रीम को मैं नहीं करना चाहता अपग्रेड। वोंग अच्छा है, एबोनिमो ऑलरेडी 7 स्टार में है, तो मैं किसी और का अपग्रेड क्यों करूँगा भाई। भी है मेरे पास में विजन को, पहले मैं सोच रहा हूँ मैक्स आउट कर ही देता हूँ, ये R3 पे मैक्स आउट हो जाएगा, अच्छा रहेगा। ओके हम इसको यूज़ भी कर पाएंगे टीम में। 35 लेवल तक हमने इसे डाल दिया है, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉस्मिक में आ रहा है, तो कॉस्मिक में हमें 7 स्टार में सर्पेंट मिला था, डेफिनेटली सर्पेंट को अपग्रेड करना है, R2 भी करना है इसको, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया डिफेंडर है ये, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिफेंडर है। स्किल में हम एगॉन को अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमें अटैकर के तौर पे इसको अपग्रेड कर रहे हैं, एंड काफ़ी अच्छा डैमेज देता है ये। मैंने अभी तक इसके मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसको, लेकिन हाँ 150 का कॉम्बो बनाया है अभी तक इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे फिलहाल। तो मैं अभी एगॉन को ही अपग्रेड कर रहा हूँ, इसको मैं सीधे R5 पे लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि हम आगे जाके नेक्रो खेलने वाले हैं। मुझे रिवाइव भी फार्म करने हैं, रिवाइव मेरे बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, लेवल 40 तक हमने इसे डाल दिया है। फिर से मिस्टेक आया है क्या? ओके कोई बात नहीं है, एंड इसको पूरा R3 मैक्स आउट मैं सोच रहा हूँ कर ही देता हूँ। 4 दिन का समय, 4 दिन, 5 दिन का लगभग समय है। 44 लेवल तक हमने एगॉन को डाल दिया है, एंड अभी भी इसमें कितने ISO जाना, ओ बहुत सारे ISO जाना बाकी है भाई, अभी इसमें तो काफ़ी सारे 23,000 ISO जाना बाकी है भाई इसमें अभी।
एक मिनट रुको 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 रुको, ये डाला ये। ओके, ये नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा। चलो, ये हो गया हमारा R3 मैक्स आउट एगॉन, एंड R4 पे डाल सकते हैं हम इसको। मेरे पास रैंक स्किल का जेम है R4 का, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना स्किल का जेम ही यूज़ कर लूँ, काम में आएगा यार। वैसे जो यूज़ तो करना चाहता हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, मिस्टेक में देखते हैं हम, मिस्टेक में। यार मेरा ना मन कर रहा है कि मैं ना लॉन्ग शॉट को ना R4 पे डालूं, मन कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ ऐसे R4 नहीं R3 पे डाल। अच्छा ये R2 पे, मेरे को लगा मैं R3 मैक्स आउट करके बैठा हूँ इसको यार, फालतू में मैंने सॉर्क सुप्रीम में पॉइंट्स डाल दिए। चलो यार इसे ही R3 करते हैं, R3 मैक्स आउट करते हैं। R2 पे इतना अच्छा डैमेज है इसका, R3 पे तबाही मचाएगा ये। ओके चलो, हमने इसे भी कर दिया अपग्रेड, एंड अभी भी फिर से मिस्टेक आ गया है। तो 28 लेवल तक हमने इसे कर दिया है पुश लॉन्ग शॉट को, एंड और इसकी एबिलिटी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लॉक पे भी आपको डैमेज देगा, ये बफ आएंगे तो ब्लॉक पे डैमेज भी देगा ये। 31 लेवल तक हमने कर दिया है इसको पुश, एंड और बेसिक क्लेम कर, और ISO यहाँ पे क्लेम करते हैं। 5 दिन का समय, सिर्फ 5 दिन का समय बचा है क्या हमारे पास? ओके, 33 लेवल तक हमने इसे डाल दिया है, हो सके तो हम इसको मैक्स आउट कर देते हैं। यार रुको एक मिनट, साइंस में किसको अपग्रेड कर सकते हैं? एबोमिनेशन तो ऑलरेडी अपग्रेडेड है। साइंस में फोटोन, देखो फोटोन भी कर दिए, ह्यूमन टॉर्च भी है R4 करने के लिए। सिल्क को कर दूं क्या? अबे यार टायर ये कम है यार, रुको फोटोन को करते हैं अपग्रेड। ये हो गई लेवल 6 तक पुश। चलो फाइनली इसका नंबर तो आया यार एटलीस्ट। ओके यहाँ पे मिस्टेक क्लेम करते हैं, एंड अब फिर से वापस से स्किल आ चुका है, तो मैं यहाँ पे एगॉन को ही अपग्रेड करूँगा, और कुछ करूँ ना करूँ एगॉन ज़रूर अपग्रेड होगा। फिलहाल लॉन्ग शॉट को डालते हैं, ये हो गया लेवल 38 तक हमारा लॉन्ग शॉट भाई, एंड मुझे लगता है लेवल अपग्रेड जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, क्योंकि रेलिक्स भी हमने काफ़ी सारे अपग्रेड किए हैं यार। तो गाइज नेक्स्ट लेवल अप पे हम R4 डालेंगे एगॉन को, और R4 मैक्स आउट करने का ट्राई करेंगे एगॉन को, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।